हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी को हमें यूज क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों चैट जीपीटी के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक हमने क्वेश्चन चैट जीपीटी को प्रोवाइड कराया था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के अलावा सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ये था, हमारे पास क्वेश्चन था, फाइंड ऑल बीएफएस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। यू कैन सी हियर, बेसिकली ये इमेज की फॉर्म में था। तो इन्होंने इसका बीएफएस निकालने के लिए क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्म में लिखा है, जो कि हमारे पास जो हमने प्रोवाइड कराए थे इमेज में, वही क्वेश्चंस इसने लिखी है। फिर इसके बाद उन्होंने उसको सॉल्व करने का ट्राई किया, बट मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, सॉल्यूशन मेथड नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने जब लिखा ओनली प्रोवाइड सॉल्यूशन, यानी कि ओनली हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए, टेक्निक्स नहीं चाहिए। तो इन्होंने बी एफ एस प्रोवाइड कराया, बट मुझे यहाँ से पता चला कि ये बी एफ एस जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि बी एफ एस जो है, यानी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम हो या किसी और की प्रॉब्लम, अगर सॉल्यूशन है तो वो प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करना चाहिए, बट यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में मुझे डाउट हुआ कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे कमेंट किया इट इज़ रॉन्ग। तो इन्होंने फिर से इसको करेक्टिफाई किया, और करेक्टिफाई करने पे इन्होंने किस तरह से करेक्टिफाई किया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट करेक्टिफाई करने पे इन्होंने सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशंस को अलग कर दिया, सारे सॉल्यूशंस को ही अलग कर दिया। तो सारे सॉल्यूशंस को अलग कर दिया, विच इम्प्लाइज कि ये सॉल्यूशंस अलग होने का मतलब है कि जो पहले सॉल्यूशन थे वो गलत थे। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया हमारे पास, चैट जीपीटी क्या कह रहा है, पहले सॉल्यूशन गलत थे तो अब के सॉल्यूशन भी गलत हो सकते हैं, या पहले भी गलत थे, अब किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं। तो फिर से मैंने इस पे क्वेश्चन अराइज किया, एवरी बीएफएस सेटिस्फाई द गिवन प्रॉब्लम, चेक वेदर दिस सेटिस्फाई बीएफएस सेटिस्फाई द गिवन प्रॉब्लम और नॉट। तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने चेक किया, और चेक करने पे पाया जब प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इन्होंने सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उन्होंने लास्ट में लिखा नन ऑफ द प्रीवियस आइडेंटिफाई बी एफ एस सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, देयरफॉर दे आर नॉट वैलिड बी एफ एस, चूंकि अनकरेक्ट इन्होंने ही प्रोवाइड कराया था। अब ये भी यही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इनकरेक्ट है। उसके बाद मैंने इनको क्वेश्चन किया था, इफ बी एफ एस नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन देन हाउ यू कैन से दैट दे आर बी एफ एस। तो इन्होंने इसके लिए क्लियरिफाई के लिए सिर्फ इक्वेशंस को लिख दिया, कुछ डेफिनेशंस लिख दी कि क्या बी एफ एस होता है, चेक बी एफ एस होता है, लेकिन टू डिटरमाइन चेक बी एफ एस टू डिटरमाइन इफ इज अ सॉल्यूशन बी एफ एस इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशन, जो कि मैंने इनको बोला था वही चीज़ है। उसके बाद फिर से मैंने इनको यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया था वो दिया था कि नाउ फाइंड अगेन बी एफ एस। देन उसके बाद उन्होंने इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया कि यू आर रीच्ड अवर लिमिट ऑफ मैसेज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। उसके बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैंने हाई किया, हाई का इन्होंने आंसर दे दिया। लेकिन फिर से मैंने इसको क्वेश्चन किया, प्लीज प्रोवाइड अ यूट्यूब वीडियो टाइटल इन विच आई वॉन्ट टू, बेसिकली आई वॉन्ट टू अपलोड अ कंटेंट इन विच आई एम शोइंग दैट चैट जीपीटी इज हार्मफुल फॉर स्टूडेंट। बेसिकली इसी वीडियो के लिए मुझे कंटेंट चाहिए था, टाइटल चाहिए था, टाइटल के लिए मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, लेकिन उन्होंने फिर से यही आंसर दिया, यू हैव रीच अवर लिमिट ऑफ मैसेज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो मैं बच्चों को बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अगर करना भी पड़ रहा है तो उसको करने के बाद उसको वेरीफाई करें। चैट जीपीटी या गूगल पे कोई भी वेबसाइट हो, एआई टूल्स हो, कुछ भी हो, उसको अगर आप यूज कर रहे हो तो अच्छे से वेरीफाई करने के बाद उसके रिजल्ट्स को यूज करें। जब तक वेरीफाई नहीं करते हो उनके रिजल्ट्स को यूज ना करें, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये बेसिकली अगर आप देखो, चैट जीपीटी आपको मेंटली कमजोर बनाती है, क्योंकि आप कहीं सर्च करने नहीं जाओगे, कहीं ट्राई नहीं करोगे, सीधे इनके रिजल्ट्स को मान लोगे, जो कि रॉन्ग होंगे, मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग होते हैं। तो उस कंडीशन में, रॉन्ग होने की कंडीशन में आप गलत हो जाते हो, तो आप गलत हो तो उस कंडीशन में कुछ भी आप नया नहीं सीख पाते हो, कुछ आप नए नहीं कर पाते हो। चैट जीपीटी को इंसानों ने बनाया, इंसानों ने चैट जीपीटी को नहीं बनाया, ये याद रखना, चैट जीपीटी को इंसानों ने बनाया है, इंसानों को चैट जीपीटी ने नहीं बनाया, ये बात याद रखना।
ये बात याद रखोगे तो आप पता चलेगा कि आपको चैट जीपीटी या कोई भी हम सोशल प्लेटफॉर्म या कुछ भी यूज करें, गूगल कुछ भी या कोई वेबसाइट यूज करें, तो उसको पहले वेरीफाई करो, उसके बाद उसको यूज करो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।